पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे साथी भरत मकवाने जी को अभी माइक हैंड ओवर करता हूँ, हमारे साथी जुड़ते जाएंगे ताकि आपका समय समान हो। हमारे साथी भरत मकवाने जी। साथियों, किसी भी संघर्ष की शुरुआत होती है नारों से होती है। जिस दिन तुमने ऐसे नारे लगा दिए कि जहां तक आवाज पहुंचा नहीं वहां तक पहुंच नहीं चाहिए, तो पहले से जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, कांग्रेस रघुवैया जिंदाबाद, एन जे सी एम जिंदाबाद, एन जे सी एम जिंदाबाद, एन पी एस मुर्दाबाद, एन पी एस मुर्दाबाद। भारत सरकार होश में आओ, एन पी एस लागू करो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एन पी एस लागू करो। जो इंफॉर्मेशन पर ओ पी एस जिंदाबाद, जो इंफॉर्मेशन पर ओ पी एस जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, साथियों। इस अवसर पर मैं आपको कुछ जानकारी दूं कि एनजेसी बहुत सारे लड़के यहां पर हैं जो नए ऑल इंडिया लेवल के ऊपर दो मान्यता प्राप्त यूनियन है जो कि कर्मचारियों का नेतृत्व करती है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द इंडियन रेलवे मैन एनएफआईआर और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एआईआर, जो अपने अपने पीएम तो करते ही है, बट एनजेसीएम एक ऐसी मशीन हुई है जहां पर दोनों ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी बैठते हैं और रेल कर्मचारी के मुद्दों को नेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथियों, आज भारत देश में नहीं कि रेलवे पर, भारत देश में एक सबसे गंभीर बीमारी लागू की गई 2004 पर, एनपीएस। तो उस एनपीएस का विरोध आज एनजेसीएम के अंदर हमारे रेल कर्मचारी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जाएगी जिसके लिए ज्वाइंट फोरम पर होती है, जिसका फॉर्मूला है, जिसका है कि ज्वाइंट फॉर्मेशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, लागू किया कि जहां पे भी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एनपीएस को रद्द करके ओपीएस को लागू करने के लिए एक जेओ पर ओपीएस लागू किया गया। और ना ही कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेलवे कर्मचारी है, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फोरम के अंदर आज ऑल ओवर इंडिया की सभी ट्रेड यूनियंस उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और सब लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। साथियों, आज नेशनल लेवल पर नेतृत्व अपना काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म आपके पास है, लीडरशिप आपके पास है, सिर्फ जरूरत है आपके सरकार की, आपकी एकता की, आपके संघर्ष की। जिस दिन हम लोग एक हो गए उस दिन ये दिमाग से निकाल लो कि ये सरकारें कुछ नहीं करेगी, अच्छी अच्छी सरकार झुक जाती है। और एनपीएस अगर आपकी एकता रही तो एनपीएस भी रद्द होगा और ओपीएस लागू होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपना फंडामेंटल क्लियर करना है कि यार बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कभी कुछ रद्द नहीं करेगी, कितनी सरकार आई और गई चली जाएगी। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट रहे, लोगों की बातों में ना आए और इस ज्वाइंट फोरम का पूरे पूरा सहयोग करें। बाकी की जानकारी मैं आगे दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे ज्वाइंट फॉर्मेशन ओपीएस के लिए यहाँ पर जो कमेटी बनी उनके को कन्वीनर श्री कतू सर और हमारे कन्वीनर श्री जितेंद्र प्रसाद डब्ल्यूआरएमएस के सेक्रेटरी और डब्ल्यूआरए के सेक्रेटरी इस मुहिम को लीड करेंगे। तो मैं हमारे को कन्वीनर से निवेदन करूंगा कि आप इस फोरम के बारे में आगे की जानकारी दें। श्री कतू जी। थैंक यू भरत भाई। साथियों, भरत भाई ने आपको काफी जानकारी दे दी है, फिर भी संक्षिप्त रूप से मैं बताना चाहता हूं कि एनजेसीए द्वारा 31 जनवरी 2023 को एक लेटर जारी किया गया है जिसके माध्यम से दोनों फेडरेशन ने, आईआरएफ और एनएफआईआर ने संयुक्त रूप से ये हमारी
एनपीएस कर्मचारियों को जो ओपीएस नहीं मिल रहा है या 2004 1 जनवरी 2004 से जो रेलवे में भर्ती हुए हैं उनको नई पेंशन स्कीम लागू की है उसको रद्द करके पुरानी स्कीम लागू करने के लिए बीड़ा उठाया है और दोनों फेडरेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हैं और उसके लिए जोनल लेवल पे मंडल लेवल पे और हमारे यूनिट लेवल पे एक कमेटी का गठन करने का निर्देश मिला है। उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है साथियों। इसके अंदर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के डिविजनल सेक्रेटरी जो डिविजन लेवल पे है वो कन्वीनर होंगे। उसी हिसाब से हमारे वर्कशॉप में भी जो वर्कशॉप के एम्प्लॉयज यूनियन के सेक्रेटरी हैं वो कन्वीनर होंगे। इसी हिसाब से डिवीजन के अंदर में WRMS के डिविजनल सेक्रेटरी जो होंगे वो को कन्वीनर होंगे। उसी के हिसाब से हमने वर्कशॉप में भी मजदूर संघ के सेक्रेटरी जो है वो को कन्वीनर होंगे। साथियों आपको बताना जरूरी है कि लड़ाई खाली दो संगठन मिलकर नहीं लड़ सकते। लड़ाई को लड़ना है तो आपका साथ जरूरी है। ये लड़ाई आप लोगों के लिए है और मैं मेरे ओल्ड पेंशन स्कीम के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि हमारे जो एनपीएस वाले साथी है उनके साथ में कंधे से कंधा लगा करके खड़े हुए और इस लड़ाई को जीतने में अपनी भूमिका अदा करें। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। साथियों आप 350 के करीब की वर्कशॉप की स्ट्रेंथ है लेकिन हम खाली आजू बाजू नजर दौड़ाएंगे तो इस हिसाब से ये संघर्ष को हम नहीं जीत पाएंगे। हमारे साथियों को बोलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, अपने काम को छोड़ना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे साथियों। ये पहला ऐसा इतिहास में मौका हुआ है कि दोनों फेडरेशन एक बिंदु के ऊपर एक मंच पे आई है और यदि आपने साथ नहीं दिया तो संघर्ष हमारा कितना और संघर्षरत होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने साथियों को भी इसमें लाइए। खाना हम एक दिन नहीं खाएंगे चलेगा लेकिन रिटायरमेंट के बाद में एक स्वाभिमानी जिंदगी जीने का हर कर्मचारी को चाहे वो सरकारी हो या केंद्रीय हो उसका अधिकार होता है कि सम्मान पूर्वक जिंदगी जिए। और हम सम्मान पूर्वक जिंदगी तभी जी सकते हैं जब हमारे रिटायरमेंट के बाद में हमारी पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। पेंशन होगी हमारे जात जीने के बाद भी हम नहीं रहेंगे उसके बाद भी हमारे परिवार को मिलती रहेगी। ये सारे लाभ इसमें होते हैं अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम वालों के लिए बहुत अच्छा सटीक ये है कि जैसे बोलते हैं पेंशन जो है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो नई पेंशन के तहत जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको जिंदगी के साथ में भी और बाद में भी पेंशन मिलती रहे ये सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष में आगे आना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही विस्तार रूप से गाइडलाइंस जारी हुई है। उस गाइडलाइंस के तहत थोड़ा सा संक्षिप्त बता दूं कि पहले ये तय किया गया है कि जहां जहां भी कर्मचारी कार्यरत है एक ज्वाइंट आवेदन हम एक लिस्ट बनाएंगे और हम दोनों जन मिलकर के एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जो हमारे को फेडरेशन से प्राप्त हुआ है उसी प्रारूप के अंदर आप सबको हस्ताक्षर करना है और ये सारे कामकाज को 20 तारीख तक का हमें टारगेट दिया हुआ है। 10 तारीख से अभियान चालू करके 20 तारीख तक खत्म करके और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये हमारी जो अपील है कि ओपीएस को लागू करना है एनपीएस को रद्द करना है ये हमारी अपील जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजना है। तो साथियों 20 तारीख का हम इंतजार नहीं करेंगे। प्रताप नगर कारखाना वो जगह है कि यहां बड़े बड़े चैलेंजों को हमने स्वीकारा है। जो भी हमें चैलेंज मिलता है हमको सहर्ष उसको स्वीकारते हैं और समय से पहले हम कर लेते हैं। आज हम सब ऑफिस बैरे से उठबीट करके इसकी रणनीति तय करेंगे। आपको खाली जस्ट एक दिमाग में थोड़ा सा इंप्रेशन डालना चाहे कि यह मुहिम क्या है और हमारा अगला स्टेप क्या होगा। आपके पास कल से हो सकता है हमारे साथी लोग आएंगे आपके शॉप में उसके ऊपर अपना नाम देख करके हस्ताक्षर करना है। यह हस्ताक्षर वाला का पूरा का पूरी अपील जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 20 तारीख को भेजनी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ये खत्म ये जो मुहिम है हमारी कल से चालू करके और 16 तारीख तक 3 दिन है आज 13 तारीख है 14, 15, 16 3 दिन के अंदर अगर हमारा कोई कर्मचारी छुट्टी पे है उसको बुला लीजिए। जो कर्मचारी ड्यूटी पे है उसे भी इतना कर दीजिए कि जैसे ही आता है तुरंत पहले साइन करे ताकि हम समय रहते हुए इस अपील पे साइन करके और राष्ट्रपति महोदय को भेजने की व्यवस्था करें। साथियों ये लड़ाई हम सबकी है हम सब ने मिलकर के इसको जीतना है और जब हमारा संगठन दोनों ही फेडरेशन तत्पर है कटिबद्ध है इस चीज को लेने के लिए तो आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आप कृपया अपना बहुमूल्य समय देते रहना और अपने साथियों को बुलाते रहना।
ये लड़ाई यही नहीं खत्म होगी हस्ताक्षर के बाद। साल भर सितंबर तक की इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, लेकिन पहला पड़ाव जो है हमें भेजना है हस्ताक्षर करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास में हमारी अपील। ये अपील जाने के बाद में बहुत सारे गेट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, रैली इत्यादि का भी प्रावधान है, वो आपको समय समय पर बताया जाएगा। लेकिन कृपया आप जरूर अपनी एकता का परिचय देना, और जब भी आह्वान होगा हो सकता है आधे घंटे का मिले, लेकिन ऐसी इसकी पब्लिसिटी ऐसी होनी चाहिए कि जैसी जानकारी मिले सब लोग यहाँ इकट्ठे होना है। ये लड़ाई हमारे को साथ में लड़ना है। हम लड़ेंगे, जिसने माँ का दूध पिया है ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इसे सवाल नहीं करे भैया, अपनी उपस्थिति का परिचय दीजिए। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे साथी श्री जितेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा, जो इस मुहिम के कन्वीनर है, वे अपने शब्द रखेंगे। श्री जितेंद्र प्रसाद जी। साथियों, आप लोग इतनी संख्या में एकत्रित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़े शर्म की बात है, हम लोग सुबह से ही सबको कन्विंस करने के बावजूद भी हमारे सामने ही उसमें खासकर जो ज्यादातर एनपीएस वाले थे वो मैदान छोड़ के भाग गए। तो बड़े शर्म की बात है, जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है वही मैदान छोड़ के भाग गए। फिर भी जिसने यहाँ एकत्रित हुए उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप आगे भी इसी तरह एकत्रित होंगे और एनपीएस के विरोध में हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, जिसकी जानकारी हम लोग समय समय पर सभी को देंगे। साथियों, आप लोगों को जानकारी होगी कि आर्टिकल 21 के तहत पेंशन सबका मतलब संवैधानिक अधिकार है, तो इसके लिए हम लोग इसी संदर्भ में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हेमंत भाई से, वो अपने सब जो सब रखें। नमस्कार साथियों, जैसे कि हमारे साथी श्री ने बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन एक चीज मुझे बतानी है। आज पहली बार प्रतापनगर वर्कशॉप में भी एक मंच पे हम लोग सब साथ में खड़े हैं, तो जब हमने अंदर अपने मन मोटाव को हटा दिया है, मैं अपने सभी साथियों के बोलता हूँ कि अपने अंदर भी मन मोटाव हटाओ, और जब तक हम एक नहीं होंगे, ये सरकार को आज से नहीं पहले से यही है, अंग्रेजों की नीति अभी तक वो लोग चला रहे हैं कि बात पढ़ो और राज करो, कूटनीति वो अभी भी कर रहे हैं। यही है, आगे इलेक्शन है, अगर हमने सरकार को अभी एक होके अगर जवाब नहीं दिया तो सरकार के कान वैसे भी खुलने वाले नहीं है। एक बड़े बम धमाके की जरूरत है, और यही है धमाका, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सब लोग इकट्ठे हो, और जब जब यूनियन आपको आह्वान करती है पूरे जोश के साथ सबको लेके आओ, और यही है, यही मौका है। अगर आज हमने नहीं किया, समझो आगे इलेक्शन है, अगर अभी से हमने ये अगर सिग्नेचर की मूवमेंट हमने चालू की है, राष्ट्रपति के पास ये सारा डेटा जाएगा, राष्ट्रपति और अपने जो प्रधानमंत्री जो बीजेपी है सबको ये डेटा जाएगा, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि आपके अगेंस्ट में कौन कौन है। अगर आपने हमारे लिए अगर आप भविष्य में कुछ भी नहीं किया तो हम आपकी सरकार नहीं बनने देंगे, और जो ओपीएस की बात करेगा उसी की सरकार बनेगी। ये उनको कान में जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, और जोरदार नारे लगाएंगे, ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आवाज दो, आवाज दो, जो हमसे टकराएगा और जो हमसे टकराएगा, आवाज।
पास आते हैं। साथियों, इस सिग्नेचर के अंदर जो फॉर्मेट बनाए उसके अंदर लिखा है एम्प्लॉय ऑब्लिक फैमिली। तो आपको ये भी बता दें, जब भी आप साइन करोगे उस फॉर्मेट के अंदर, तो आपसे आपके डिपेंडेंट जो जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने साइन किया, मेरी दो लड़कियां हैं, मेरी पत्नी और मेरे मम्मी पापा है जो मेरे पर आश्रित है, तो मैं साइन करके +5 लिखूंगा। नंबर ऑफ क्वांटिटी ऊपर भेजनी है कि एनपीएस को लेकर कितने लोग नाराज है, क्योंकि आज एक एनपीएस कर्मचारी जो होता है ना, वो सिर्फ एनपीएस से खुद अकेला प्रभावित नहीं होता है, एनपीएस से प्रभावित उसका पूरा परिवार होता है। तो परिवार में भी अवेयरनेस लाए। और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन आज एक मंच के माध्यम से एक चीज तो बोली हूँ कि एक चीज तो सरकार तक पहुंचा ही देना कि अगर ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। जिस दिन आपने ये गांठ मान ली कि मेरा वोट या मेरे परिवार का वोट तो बीजेपी को जाएगा ही नहीं, जो सरकार अगर एनपीएस रद्द करके ओपीएस लागू करेगी उसी को हमारा परिवार का वोट जाएगा, उसके लिए सबसे पहले शुरुआत हमें हमारे परिवार से भी करनी है। हमारे परिवार के अंदर भी आज मैंने देखा है कि हमारे घर में 10 लोगों का 5 लोग दोस्त बीजेपी है। खुले मंच में डरे भगे मैं आज बोल रहा हूँ कि ये चीज आपको सरकार तक पहुंचानी, अपने फैमिली को भी बोलनी है कि अगर ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि परिवार को भी समझाना है कि बड़ी बड़ी बातों में मत आओ, जो है वो आपका परिवार ये घर चलाने या कोई सरकारी या नेता नहीं आने वाला, घर चलाना है हमें, खुद ही चलाना है, महंगाई हमें ही भुगतनी है, पेंशन नहीं होगा तो भूखे हम ही मरेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, परिवार को भी समझाना, आजू बाजू में समझाना। क्योंकि मैं जैसे कटोर सर ने बताया, मैं आपको समय है तो एक एक्शन प्लान बताऊं, जो NJCA में डिक्लेयर किया गया, तो आपको थोड़ा अंदाज आएगा कि ये मुहिम पूरे साल की है, ऐसा नहीं है 2024 के इलेक्शन से पहले प्रेशर क्रिएट करना है, बनाना है और ओपीएस को लागू करना है। 10 से 20 फरवरी हम लोग एक साइन अभियान चलाएंगे, जो जैसे कटोर सर ने आपको बोला है, 31 फरवरी को रैली आयोजित होगी। हो सकता है कि एक्शन प्लान में कभी डेट का प्लस माइनस हो, क्योंकि नेशनल लेवल पर ऑलरेडी नोटिस कर दी गई है पूरी चीज भारत वर्ष के अंदर, तो 21 फरवरी को रैली आयोजित होगी। 21 मार्च को जॉइंट फॉर्मेशन ओपीएस जिला लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रैली करेगी, उसमें ना ही किसी रेलवे कर्मचारी होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप भी संघर्ष की शुरुआत करें, आपके आजू बाजू में स्टेट लेवल में लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनको एनपीएस के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बताओ, तब उनकी भी आंखें खुलेगी, अकेले हमसे कुछ नहीं होने वाला। 21 अप्रैल को नई दिल्ली में जॉइंट फॉर्मेशन ओपीएस की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है दिल्ली के अंदर, जो आगे की रणनीति तय करेगी। 21 मई को जिला लेवल पर रैली होगी, लेकिन कैसे रैली होगी वो भी मैं आपको बता दूं, जिला लेवल पर रैली होगी लेकिन वो मशाल के साथ होगी, हम लोग आग कैंडल्स वगैरह लेकर निकलेंगे और पूरा शहर रोकने का काम करेंगे। अगर इतनी हिम्मत आदमी बढ़ गई तो कोई सरकार ऐसी नहीं है जो ऐसा बोलेगी कि यार एनपीएस रहने दो, तो ये हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। 21 जून को हर स्टेट लेवल पर होगी, पूरे राज्य में रैलियां होगी, और भी कहां पे होगी, उस राज्य के कैपिटल में होगी, जहां पे भी उसका राजधानी लगेगा वहां पर ये मुहिम बड़े लेवल पर होगी। जुलाई और अगस्त के अंदर मानसून सत्र चलता है पार्लियामेंट के अंदर, जो दिल्ली के अंदर है, उसके अंदर हमारा टारगेट ये है NJCM का और सभी संगठन का कि हम लोग उस मानसून सत्र में करीबन 5,00,000 कर्मचारी हम मानसून सत्र में जाएंगे, और ना ही कि संसद का घेराव करेंगे, लेकिन ये तैयारी रखना कि संसद के अंदर घुस के काम करना है, और इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो मैं खुले मंच पे बोल दूं कि जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं ना, उनका मोरल कभी मत तोड़ना, होता है ये चीज। आज मैं मंच के माध्यम से भी प्रैक्टिकल आपको बता दूं, आज NFIR यहाँ पर एक है, कटोर सर हमारे को कन्वीनर है, जीतू सर कन्वीनर है, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज ये भी चीज है कि अगर वो लोग लीडरशिप कर रहे हैं तो उनकी ताकत हमें बनना है, और वो जमाना गया कि संसद का घेराव करो। अब NJCM ने डिसीजन लिया है कि संसद में घुसकर एनपीएस रद्द करेंगे, संसद में घुसकर एनपीएस रद्द करेंगे और ओपीएस लेकर आएंगे। लेकिन एक काम करेगा, लीडरशिप तो करेगी लेकिन उसके हाथ पैर हिम्मत आप हो, जब भी आह्वान हो
इसी एकता के साथ, इसी शक्ति के साथ आप प्रदर्शित होना, और अपने परिवार को भी तैयार करो, क्योंकि जो जुलाई के अंदर होने वाली है उसके अंदर जो रैली निकलेगी वो सिर्फ कर्मचारी नहीं निकलेंगे, उसके अंदर हमें हमारा परिवार लेकर निकलना है। हम जहां पे भी मसाल लेकर निकलेंगे हमारा पूरा परिवार उसके अंदर शामिल होगा, उस आंदोलन में शामिल होगा। आने वाली पीढ़ियां आपके संघर्ष को याद रखेगी कि एक ऐसा संघर्ष भारत देश में हुआ था जिसने असंभव काम को संभव करके बताया, और ये संभव सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और मैं किसी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये संघर्ष कैसे होगा। ये संघर्ष ना एक जिहाद जगता है ना जिहाद, उस जिहाद को आपको जगाना पड़ेगा कि हम ओपीएस लेकर है, कोई भी सरकार हो, कौन सी सरकार उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम लोग ओपीएस लेकर रहेंगे किसी भी सरकार हो, लेकिन हम हमारा संघर्ष उस लेवल पर ले जाएंगे कि वो लोग को भी ऐसा लगे कि अब एलपीएस रद्द करनी पड़ेगी। तो मैं जिहाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बट उस संघर्ष के सिमिलरिटी बता रहा हूँ कि किस लेवल का संघर्ष कर रहा है। इसीलिए मैंने एक 10 मिनट तक हम लोग एक इवेंट करेंगे, उस इवेंट को आप सब ध्यान से सुनना, सभी लीडर्स ऊपर उपस्थित सामने उपस्थित। मैं एक नारा लगाऊंगा, मैं जो भी स्लोगन बोलूंगा उसके पीछे आप सबको बोलना है ओपीएस ओपीएस, समझ गए? देखो यही आवाज है जो वहां तक जाएगी। आप ये मत समझो कि यहाँ पे लीडर्स खड़े, यहाँ पे क्राइम ब्रांच वाले भी खड़े हैं, रिपोर्टर्स भी खड़े हैं, और जो लोग सीधा रेलवे बोर्ड में रिपोर्ट करते हैं उनका फोन हम दोनों पे आ गया था। आपकी आवाज रेलवे बोर्ड तक जाएगी, डरना नहीं है, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने हम लोग 10 मिनट तक ये इवेंट करेंगे। हो सकता है शायद मैं थकूं तो हेमंत जी मेरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं जो भी स्लोगन बोलूंगा उसके पीछे आपको ओपीएस बोलना है, दो बार ओपीएस बोलना है।